नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में कोरोना ने हाल बेहाल कर रखा है और हालात तो ये हो गए हैं कि अब ना तो बेड खाली बचे हैं और ना ही लाशें जलाने की जगह बची है। इस बीच अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं और लापरवाही ऐसी जिसे देखकर आपका दिल दिमाग सब कुछ हिल जाएगा। ये लापरवाही इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच डॉक्टरों पर दबाव और इस दबाव के चलते ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं जो आपके शरीर को हिलाकर रख देंगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक मामला सामने आया है जहां पर एक बुजुर्ग महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और परिजन उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान घाट लेकर पहुंच गए। शमशान पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बस महिला को चिता पर रखना था, लेकिन जैसे ही घर वालों ने महिला को जलाने के लिए जलती हुई मशाल आगे बढ़ाई तभी कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि शमशान घाट पर आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा देगा। महिला की लाश जलने ही वाली थी तभी घर वालों को पता चला कि महिला की सांसें चल रही हैं। मतलब कि जिस महिला को डॉक्टरों ने मुर्दा समझकर शमशान घाट भेज दिया था वो असल में जिंदा थी, वो तो कभी मरी ही नहीं थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसको लापरवाही के चलते मृत घोषित कर दिया था। जब घर वालों ने देखा कि महिला की सांसें चल रही हैं तो उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को फोन किया। फोन पर महिला के जिंदा होने की खबर सुनकर डॉक्टरों के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गलती हुई तो हुई कैसे। हैरान परेशान डॉक्टरों को जब कुछ समझ नहीं आया तो फौरन शमशान घाट पहुंच गए और चिता पर रखी महिला की नब्ज चेक करने लग गए तो वो भी सन्न हो गए, क्योंकि वाकई में जिस महिला को उसके घर वाले मारा समझकर जलाने जा रहे थे वो तो जिंदा थी। इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन ने रायपुर में रहने वाली 73 साल की लक्ष्मीबाई अग्रवाल के साथ की। लक्ष्मीबाई अग्रवाल दोपहर 3 से 4 बजे खाना खाते समय अचानक बेहोश हो गई थी। इसके बाद उन्हें तुरंत इलाज के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया। इमरजेंसी में उनका इलाज शुरू हुआ और उसकी कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आई। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला का ईसीजी भी किया और कुछ देर बाद उसको मृत घोषित कर परिजनों को सूचना दे दी। फिर परिजन शव को लेने के लिए अस्पताल पहुंचे और एम्बुलेंस से शव को मुक्ति धाम के लिए भेज दिया गया जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन लाश में चिता जलाने से पहले जो कुछ हुआ उसने अस्पताल प्रशासन की पोल खोल दी। मध्य प्रदेश में अस्पताल प्रशासन की इस तरह की लापरवाही कोई पहली लापरवाही नहीं है। ऐसी खबरें तमाम आ चुकी हैं, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आ चुकी हैं, लेकिन ऐसी खबरें कितनी और आएंगी ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।